हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, राजनीति जब से देश आजाद हुआ है तब से आप देखते चले आ रहे हैं, लेकिन बदलाव क्या होता है? केवल झंडे का, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कोई। जिस बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ वो बदलाव है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब अन्ना जी आंदोलन पर बैठे थे उस समय केजरीवाल जी और अन्य पार्टी के सारे लोग जो पुराने हमारे साथी हैं सभी ने जन लोकपाल बिल की जब मांग की तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का एक ही उद्घोष था कि केजरीवाल जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं तो स्वयं राजनीतिक पार्टी बना के दिखाए और तब इस जन लोकपाल बिल लागू करें। और इस जन लोकपाल बिल के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई और उस चैलेंज को स्वीकार किया। उस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और पहली बार 28 विधायक निकल के आए। कांग्रेस ने कहा सरकार बनाओ, ये सरकार तो बना लूंगा लेकिन इसका शर्त नहीं बनाऊंगा, जो मैं करूंगा वही होगा। सरकार बनी, 49 दिन चली और कांग्रेस ने तार खींचना शुरू किया और जनता के बीच में दोबारा पहुंच गए कि मुझे फुल बहुमत की सरकार दो और मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, जो मैंने आपसे वादा किया है वो वादा पूरा करके दिखाऊंगा। उस समय 70 सीटों में से 67 सीटें जनता ने आदेश दिया और जब 67 सीटें आई जो कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा तो 2 सही में बिजली फ्री आज तक दिल्ली में मिलती है। स्वास्थ्य सेवाएं, मोहल्ला क्लिनिक आपको ऐसी दूंगा, लाखों का इलाज भी किसी भी बंदे का फ्री में होगा, दिल्ली के अंदर इलाज में कोई पैसा खर्च नहीं होता। स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास, शिक्षा वर्ल्ड क्लास, आज प्राइवेट विद्यालयों से ऊपर उठ करके सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई है। आज IIT में जो सिलेक्शन हुआ 80% बच्चे दिल्ली के सरकारी विद्यालयों से गए। महिलाओं की यात्रा फ्री होती है, वहां बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री होती है, पेंशन 2500 रुपए मिलती है। मार्शल ने कर दिए बसों में, मन चले बच्चे को छेड़छाड़ ना करें, यदि कोई करता है तो सीधे जेल का रास्ता देखते हैं। सुना कभी आपने बेबजा सुना इस सरकार का है, लेकिन आपको इस संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। आज केजरीवाल जी ने संविधान को पढ़ाने का काम भी दिल्ली के अंदर किया, पाठ्यक्रम में जोड़ दिया। क्यों? कि संविधान पढ़ता है बच्चा तो वहां से प्रश्न खड़े होते हैं सरकारों से। ये सरकारें इंद्र जैसी सरकारें जो बैठी हैं इनकी जड़ें हिल जाती हैं जब प्रश्न होता है। तो आपको पता किसानों के साथ क्या हुआ? 750 किसान आंदोलन में मारे गए, उनके लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से 200 श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों के लिए भी निकले। हम उस देश के एक तानाशाह सरकार के अंदर हम बैठे, लेकिन केजरीवाल जी ने जाति धर्म से उठ करके आप लोगों की सेवा का संकल्प लिया है। 9 बार CBI रेड पड़ गई, कुछ भी नहीं मिला केजरीवाल जी क्या? कई बार उल्टे सीधे उनके वक्तव्यों को तोड़ फोड़ के दिखाया। यहाँ हमारे फौजी भाई बैठे हैं, इनको पूछ लो किसी की सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा नहीं दिया कभी। पहली बार केजरीवाल जी ने सही 1 करोड़ देने का काम शुरू किया। किसानों के लिए वहां स्टेडियम मांगेंगे, इनके जेल बनाएंगे, स्टेडियम दे दो। केजरीवाल जी ने कहा नहीं, ये स्टेडियम केवल खिलाड़ियों के लिए है, ये किसानों की जेल बनाने के लिए नहीं है। जब टिकैत जी वहां बॉर्डर पर रोए, पार्टी का हाथ जितना मजबूत कर दोगे उतना आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल कर दोगे। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख प्रत्येक के खाते में आएंगे सन 2014, आए किसी के खाते में?
नहीं आए। लेकिन देखो मैं केजरीवाल जी की योजना बताता हूँ, दिल्ली में अगर किसी आदमी के पास दो बेटा बेटी है, कुछ भी तीन है, दो है, एक बच्चे की पढ़ाई लगभग 6-7 हजार रुपए होती है, यदि दो हुए तो कितनी हो गई 10-12 हजार, बिजली कम से कम 3 हजार, पानी कम से कम 2 हजार, महिलाओं की यात्रा तीर्थ यात्रा 15-25 हजार के लमसम प्रत्येक परिवार को बचत होती है दिल्ली में। यदि 25 हजार रुपए महीने की बचत होती है एक परिवार को तो 12 महीने में कितने हुए 3 लाख, 3 लाख हुए कि नहीं बताओ भाई, और 5 साल में कितने हुए 15 लाख। कहा किसने? मोदी जी ने। और दिया किसने? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। आप उसके साथ जुड़िए जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र को बढ़ाने की बात करे, हमारे नौजवानों के भविष्य की बात करे और रोजगार की बात करे। आपके शिक्षा मित्र कितने बेचारे फांसी में फंदे पे झूल गए, क्या मिला उनको? लेकिन वहां गेस्ट टीचरों को, लेकिन वहां गेस्ट टीचरों को आपको पता है 40 हजार रुपए मिलते हैं, कोई फांसी नहीं लगाएगा। जब इस देश में तबाही आई आपको 4 हजार रुपए बीमा का मुआवजा मिला, लेकिन कितने लोगों को? 15% लोगों को उत्तर प्रदेश में मिला। और दिल्ली के अंदर 50 हजार प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा बिना किसी आंदोलन के केजरीवाल जी ने दिया। तो कैसी सरकार चाहिए आपको? किसानों के हित की रक्षा करे, नौजवानों के हित की रक्षा करे, बेरोजगारों के हित की रक्षा करे, लेकिन ऐसा नेता नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके बीच में विदाई लेता हूं। मैं अपनी योग्यता आपके बीच में और रखना चाहता हूं। मेरा नाम तो भाई साहब ने कई बार लिया है, मैं 5 बार का प्रधान हूं, 1 बार का जिला पंचायत सदस्य हूं, और जिला पंचायत सदस्य जिस दिन अपनी जनता में कसम खा के जीत के आया था कि मैं वोट फेंकूंगा, मैं विकास करूंगा, मैंने जिले पर आपका नाम रोशन किया था बिना पैसे के वोट किए और अपने क्षेत्र में विकास कराया। उसी दिन मैंने संकल्प किया कि मैं ईमानदार पार्टी में जाऊंगा। मैं 2014 में आम आदमी पार्टी में आया, तो मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय आम आदमी पार्टी। हाँ जी, हमारे बीच में विनय सिंह पहलवान जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए, बताया समझाया पार्टी के बारे में। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, हमारे विनय सिंह पहलवान जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति।